आज के समय में खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा जो नॉनस्टिक पैन और जो इसका प्रयोग किया जाता है, कढ़ाइयों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो बर्निश होती है और इसका उपयोग करने से कैंसर तक हो सकता है, इस बात को कई बार बताया भी जाता था लोगों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से भी। लेकिन इस बात पर जो है आज के एक न्यूज़ छपी है, उस पर भी आप देख सकते हैं सैन फ्रांसिस्को की, और उससे जो हमारी जो बदलती लाइफस्टाइल, खान पान की बीमारियां और जिस पे हम भोजन पकाते हैं उसका भी सबसे बड़ा प्रभाव है, जिससे जो है कैंसर के जो है बहुत सारे ऐसे प्रकार पाए गए और जिससे जो है यहाँ तक सिद्ध हुआ कि महिलाओं में स्तन, अंडाशय, त्वचा, गर्भाशय, कैंसर, इनकी संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो हेयर डाई का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर महिलाएं या पुरुष जो भी है, तो उसमें महिलाएं ज़्यादा प्रयोग कर रही हैं तो उनमें कैंसर की संभावना ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं त्वचा से संपर्क में आते हैं और घाव भी हो जाते हैं, और भी खान पान में भी किसी न किसी तरह से जो है वो भी हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से जो है हमें कैंसर के लिए जो हम दावत दे रहे हैं आज के मॉडर्न युग में, हम एक युवा बनने की होड़ में, और दूसरा जो भोजन जब बनाते हैं तो कढ़ाइयाँ जो हैं एक नया मॉडर्न उसमें दिखाने के चक्कर में, हम जो बर्तन जिनका प्रयोग कर रहे हैं और उस हीट में जो पकाते हैं उसमें भोजन पकाते हैं, तो उससे क्या है कैंसर के भी जो है बहुत से कारण बन रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से यह आग्रह है, अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचाएँ कि ये जो बाज़ारों में आजकल सस्ते से सस्ते जो बर्तन बिक रहे हैं और उसमें ये जो बर्निश आ रही है, पॉलिश आ रही है, नॉनस्टिक जो कढ़ाइयाँ वगैरह जो बर्तन मिल रहे हैं, तो इस पर जो हम सस्ते के चक्कर में, अच्छे के चक्कर में, एक मॉडर्न बनने दिखने के चक्कर में, और जो धीरे धीरे जो है हम अपनी परंपरागत या अच्छे सही बर्तनों का, धातुओं का प्रयोग ना करते हुए इनका भी जो प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो है कैंसर या विभिन्न बीमारियों की संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो इसका जो है हम कम से कम इस्तेमाल करें, लोगों तक इस बात की जागरूकता फैलाएँ, और जो है आने वाली पीढ़ियों को हम इन चीज़ों से बचाएं, और जो भी है जैसे डाई है, इन चीज़ों का उपयोग जो है हो सके ना करें और कम से कम करें, प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करें। तो आप मेरी बात को समझे होंगे। सभी साथियों को निर्मल का हेल्दी लाइफ में पुनः नमस्कार। सभी को मिलते हैं नई जानकारी में, एक नई जो है आपके साथ जो है शेयर करूँगा। सभी साथियों को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।